हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये कामना करता हूं कि आप सभी लोगों की जिंदगी होली के रंगों की तरह जो है वो रंगीन रहे और आपके परिवार में आपसी स्नेह और प्रेम जो है वो बरकरार रहे। होली के इस शुभ दिन पर हम लोगों ने भी एक बहुत शुभ काम आप लोगों के लिए किया है और वो काम ये है कि इस शुभ दिन पर हमने अपना आईडीडी का क्वेश्चन बैंक जो है वो आप लोगों के लिए रिलीज किया है। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, इस बार जो हमने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है उसके हमने दो सेपरेट एडिशन रिलीज किए हैं, जिसमें से एक है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक एंड दूसरा है हमारे पास एवरेज क्वेश्चन बैंक। बात करता हूं पहले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक की। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक ये वो क्वेश्चन बैंक है जो हम हमेशा से आज तक रिलीज करते हुए आए हैं। जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है और कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ ये इस सेंस में है कि इसमें आईसीआई के स्टडी मटेरियल के सभी क्वेश्चन, पास्ट एग्जामिनेशन के सभी क्वेश्चन, आरटीपी एंड एमटीपी के सभी क्वेश्चन हैं। उसके अलावा लेटेस्ट अमेंडमेंट जो ही है उन अमेंडमेंट्स के ऊपर ड्राफ्ट किए गए न्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है। ये कॉम्प्रिहेंसिव है एंड इसको तैयार करते टाइम हमारी जो माइंडसेट रहता है वो ये रहता है कि जो भी बच्चा इस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक को यूज करेगा, वो इस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक को जब यूज करेगा तो ना सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा होगा बल्कि उसकी आईडीटी की अपने आप में एक कंप्लीट रिविजन भी जो होगी वो हो जाएगी। सिंस द क्वेश्चन बैंक इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें क्लास में पढ़ाया गया हर कंसेप्ट जो है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन बैंक को करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बैंक को करते करते आपका एंटायर सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज हो जाता है और इनफैक्ट बेटर तरीके से रिवाइज हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक को करते टाइम एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आप उससे भी परिचित हो जाते हैं, कौन से एरिया पर क्वेश्चन आ रहे हैं उसका भी आपको आइडिया लग जाता है और प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है उसका भी आइडिया जो है वो आपको लग जाता है। सर, अगर ये ऐसा ही है तो फिर आपने एवरेज क्वेश्चन बैंक क्यों रिलीज किया? तो बेटा, एवरेज क्वेश्चन बैंक जो है वो हमने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर रिलीज किया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो ये कहते थे कि लास्ट मिनट की प्रिपरेशन के लिए उनके पास समय कम है तो वो क्वेश्चन बैंक करना तो चाहते हैं लेकिन टाइम लिमिटेशन की वजह से वो कंप्लीट क्वेश्चन बैंक जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट के बेसिस पर हमने एक्स्ट्रा पेन लिया और अपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक में से कुछ क्वेश्चन को डिलीट करते हुए उन लोगों के लिए बनाया एवरेज क्वेश्चन बैंक। अब मैं यहां आपको बताता हूं कि हमने किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एवरेज क्वेश्चन बैंक में डिलीट कर दिए हैं। नंबर वन, किसी टॉपिक के ऊपर अगर बिल्कुल ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है ना, तो इस तरीके के जो बिल्कुल ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे वो हमने जो है वो एवरेज क्वेश्चन बैंक से जो है वो डिलीट कर दिए हैं। दूसरा, अगर एक कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे लेट्स सपोज आईटीसी यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन में डिटेल दी जाती है कि पर्सन का ये आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट है और ये उसकी आउटपुट लायबिलिटी है, बताओ वो किस तरीके से जो होगा क्रेडिट को यूटिलाइज करेगा। अब इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आपके स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चन है, पास्ट एग्जाम के भी हैं, आरटीपी एमटीपी के भी है, तो लेट्स सपोज इस कंसेप्ट के ऊपर 14 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम्स वगैरह में आ रखे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक में तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पर हमने एवरेज क्वेश्चन बैंक तैयार करते हुए क्या काम किया है, इस कंसेप्ट के ऊपर अगर ये 14 क्वेश्चन थे तो उसमें से जो 2-3 बेहतरीन क्वेश्चन थे, बेस्ट जो ऑल पॉसिबिलिटीज को कवर करते हुए थे, हमने सिर्फ वही रिटेन किए हैं एवरेज क्वेश्चन बैंक में और बाकी के जो रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन थे वो हमने रिपीट कर दिए हैं। अब ये जो पेन हमने लिया कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक को रिड्यूस करने का, उस पेन से जिस बेनिफिट को हम अचीव कर पाए वो लगभग हम 220 पेजेस का रिडक्शन जो है वो अपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक में से कर पाए। तो जो बच्चा टाइम लिमिटेशन में टाइम का कंस्ट्रेंट फील करता है वो अपना एवरेज क्वेश्चन बैंक की मदद ले सकता है, बट जिन बच्चों के पास फुल प्लस टाइम है और जो सब्जेक्ट को अपना थोरोली रिवाइज करना चाहते हैं तो वो जो होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक जो है उसी को यूज करे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा जिसको यूज करके आप कॉम्प्रिहेंसिव या एवरेज क्वेश्चन बैंक जिसको भी लेना चाहते हैं उसका आप ऑर्डर दे सकते हैं। कलर्ड एंड ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही एडिशन अवेलेबल है, जैसा आपको सूट करे आप वैसा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और आप लोग एक बार के लिए एक्चुअल में फील कर पाए कि कॉम्प्रिहेंसिव और एवरेज क्वेश्चन बैंक में क्या फर्क है तो रिफंड के चैप्टर के सैंपल चैप्टर वो जो है वो भी यहां लिंक में मैंने नीचे दिए हैं, वो भी आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक में रिफंड का चैप्टर कैसा है एंड एवरेज क्वेश्चन बैंक में रिफंड का चैप्टर कैसा है, आप खोल करके कंपेयर कर सकते हैं सो दैट आप बेटर इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो ले पाए। डिसीजन आप जो भी ले प्लीज अपना थोरली जो है वो लीजिएगा, बिकॉज आप एक बार जो ऑर्डर प्लेस कर देंगे उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आपने कॉम्प्रिहेंसिव या एवरेज जिसका भी ऑर्डर प्लेस किया लेटर ऑन उसको चेंज करने का ऑप्शन जो होगा वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। आई होप ये बातें आप सभी लोगों को क्लियर है। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ और डिस्कस कर देना चाहता हूं, कुछ बच्चों की हमारे पास क्वेरीज ये भी थी कि सर ये जो आप रिविजनरी लेक्चर लेटेस्ट डाल रहे हो ये मई 2023 अटेम्प्ट के लिए ही काम करेंगे या अगर हमारा अटेम्प्ट नवंबर 2023 है तो हम भी इन रिविजनरी लेक्चर को देख सकते हैं।
तो जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, जिनका भी अटेम्प्ट नवंबर 2023 है, जैसा कि आप जानते हैं नवंबर 2023 अगर आपका अटेम्प्ट होगा तो आपके ऊपर अप्रैल 2023 तक की अमेंडमेंट आएगी। ये जो भी रिविजनरी लेक्चर्स हैं ये टेक केयर कर रहे हैं मई 2023 के अटेम्प्ट को, तो अकॉर्डिंगली इसमें 31 अक्टूबर 2022 तक की अमेंडमेंट कवर है। आपके ऊपर जो नेक्स्ट सिक्स मंथ्स की अमेंडमेंट आएगी आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्कअप ऑन करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अब देखिए, हम होली के दिन पर, मतलब हम मार्च के महीने में खड़े हैं, एंड टिल डेट की अगर बात करूं तो फिर बहुत सारी अमेंडमेंट्स नहीं आई है। फॉर्चुनेटली इस बार का सीजन ऐसा रहा है जिसमें हमें मिनिमम अमेंडमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। आप सभी लोग जानते हैं मई 2023 या नवंबर 2023 के टाइम में सेम फाइनेंस एक्ट जो है वो एप्लीकेबल रहता है। तो सो फार एज फाइनेंस एक्ट इज कंसर्न, जो मई 2023 के लिए एप्लीकेबल है वही नवंबर 2023 के लिए है। अदर देन फाइनेंस एक्ट की जो अमेंडमेंट होती है रूल्स वगैरह की, वो फॉर्चुनेटली अब की बात बहुत कम है। तो आप मेरे हिसाब से विदाउट एनी सेकेंड थॉट अगर नवंबर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये जो रिविजनरी लेक्चर्स हम मई 2023 के लिए डाल रहे हैं आप इनको आसानी से जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो बच्चे जो लोग अभी नवंबर 2023 के लिए इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे उन लोगों के लिए भी एक छोटा सा मैसेज है, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन जो है वो होल्ड पर रखने की जरूरत नहीं है। जो हमारे एग्जिस्टिंग लेक्चर है मई 2023 के, आप उन्हीं लेक्चर्स को ले लीजिए और उसको यूज करके आप अपनी नवंबर 2023 के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फाइनेंस एक्ट सेम रहने वाला है, एंड अदर देन फाइनेंस एक्ट की बहुत सारी अमेंडमेंट्स अभी तक नहीं आई है और ना ही अप्रैल तक हमें बहुत कुछ जो है अमेंडमेंट्स में एक्सपेक्टेड है। तो आपको अपना टाइम जो है वो इंतजार में काटने की जरूरत नहीं है, आप अभी से अपने सब्जेक्ट की जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, रिविजनरी लेक्चर में प्रेजेंटली मैंने आपके साथ जो है दो लेक्चर शेयर किए हैं, एक रिफंड का विच इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी तो मैंने उसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस किया है, एंड सेकंड मैंने आईटीसी में आईएसडी वाला टॉपिक आपके साथ जो है उसका रिविजनरी लेक्चर शेयर किया है। बाकी आप लोगों ने जैसा कमेंट में मुझे चैप्टर सजेस्ट किए थे, मेरी पूरी कोशिश चल रही है कि आप जिन टॉपिक्स में डिफिकल्टी फील कर पा रहे हैं उन सभी को मैं अपने रिवीजन लेक्चर्स में जो है वो कवर कर सकूं। फिर भी आप लोगों को मैं दोहराते हुए कह देना चाहता हूं कि आप लोग जिस टॉपिक में डिफिकल्टी महसूस करें उस टॉपिक को जो है वो कमेंट बॉक्स में जब मेंशन करें, तो अगर उस टॉपिक में कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां पर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है तो उस टॉपिक को भी साथ में जो है वो मेंशन किया करें। जैसे आईटीसी सब लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि आईटीसी का रिविजनरी लेक्चर दो, तो मैं अब आपको ये कहना चाह रहा हूं आईटीसी में कोई पर्टिकुलर एरिया आपको शायद सबसे ज्यादा तकलीफ देता होगा, मेरे ख्याल से आईटीसी अपॉर्शनमेंट का रूल 42 एंड 43। तो जब आप टॉपिक सजेस्ट करें ना आईटीसी, तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करें कि विद इन दिस टॉपिक कौन से एरिया है जिसमें आपको कंफ्यूजन है, सो दैट मैं जब रिविजनरी लेक्चर अपना प्लान करूंगा तो मैं मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम फोकस जो होगा उस कंफ्यूजन वाले एरिया को दूंगा, उसको मैं मैक्सिमम क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करूंगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि ये रिविजनरी लेक्चर आप लोगों के लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल जो होगा वो हो पाएंगे। एंड लास्ट एंड एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं, अगर रिविजनरी लेक्चर से आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन फील हो तो प्लीज मेक इट श्योर कि नीचे कमेंट में फीडबैक के तौर पर जरूर जो है वो उसे मेंशन करें और इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी जो है वो शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। थैंक यू।